इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी शूर्पणखाऊ, मेरा नाम कामवली भी है। तुमने लंकापति रावण का नाम तो सुना ही होगा। मैं ऋषि पौलषी के पौत्र की महात्मा विश्वामित्र की पुत्री हूँ। अपना परिचय दो। ऋषि वेश में तपस्वी वन में और जटा धारण किए हुए वस्त्र धारण किए साधु भी रखते हो। देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। राम से किस काम की आशा लेकर दशरथ सुंदरी अपने कोमल चरणों के साथ मेरी कुटिया की ओर पधारी है। तुम्हारी ये चंचल आंखें, तुम्हारे मनोहर रूप को देखकर मैं तुम्हारी ओर खींची चली आई। मुझे तो तुमसे प्रेम ही हो गया है। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? नहीं देवी, मैं विवाहित हूँ। मेरी धर्म पत्नी सीता है। ये सोखी साकी स्त्री सड़ी हुई कठपुतली की तरह खड़ी हुई, इससे अधिक सुंदर तो मैं हूँ। क्या कमी है मुझ में? ये सोखी साकी स्त्री के पीछे तुम मुझे ठुकरा रहे हो? नहीं देवी, मैं एक पतिव्रता हूँ। और फिर तुम अपनी सौतन के साथ कैसे रह सकती हो? हमारे कुल में तो महाराजाओं की बहुत शादियाँ होती है, तुम भी ऐसा ही करो। नहीं देवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अपनी सीता को वचन दिया है। दादी, ये लीजिए सूखी सूखी लकड़ियाँ। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, इस वन में तो अकेला ही है। अच्छा, तो मैं इसी से अपने विवाह का प्रस्ताव रख लेती हूँ। कोशिश करके देखो। लक्ष्मण जी, अकेले हो? हाँ, बोलिए, आपको क्या काम है? मैं आपसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखने आई हूँ। आप एक राजा को छोड़कर एक दास के पास आए हो? मैं तो अपने भैया के चरणों का एक सेवक हूँ। अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा तो एक दासी बनकर रहना पड़ेगा और हमारे भैया भाभी के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। बताओ, मंजूर है तुम्हें? Yeah!
भैया तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनके
यही विश्राम कर लीजिए। ठीक है। इतनी सुंदर नारी को मैं भला कैसे छोड़ सकता हूँ? छोड़
ये तो मेरी पुत्री सीता की आवाज लग रही है। शायद वो कोई संकट में होगी, मुझे उसे बचाना चाहिए। पुत्री सीता, पुत्री क्या हुआ तुम्हें? हे दुष्ट रावण, मेरी पुत्री कहाँ है? हे दुष्ट रावण, पुत्री मेरी कहाँ है? पेड़ों पर बैठना चाहिए, तू रावण का सामना करेगा। हे दुष्ट रावण, मेरी पुत्री का पता बता, नहीं तो मैं तुझे नहीं दीदी नहीं छोड़ूंगा। हे दुष्ट रावण, तू मेरा वध नहीं कर सकता है। दुष्ट रावण, तू मुझे एक पक्षी समझता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। लक्ष्मण भाभी कुटिया में भी नहीं है, भैया बाहर भी नहीं है भाभी, फिर सीता कहाँ चली गई? लक्ष्मण पुत्री